उत्तराखंड, जहां भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एवं कई अन्य पावन नदियों के संगम से बनने वाली नदी को देवप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता मात्र 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जिसकी वजह से दूषित जल गंगा में मिल रहा था। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा को उत्तराखंड में अविरल और निर्मल करने के लिए गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 153 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए एसटीपीज का निर्माण एवं पुराने 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपी में से 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपीज को अपग्रेड करना शामिल है। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 521 करोड़ की लागत से निर्मित सीवेज व्यवस्था का लोकार्पण कर रहे हैं। इनमें से हरिद्वार में जगजीतपुर एसटीपी एवं जगजीतपुर और सराय में अपग्रेडेड एसटीपी, ऋषिकेश में लक्कड़घाट एसटीपी, मुनि की रेती में चोरपानी एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर एसटीपी और बद्रीनाथ में दो नए एसटीपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता साल 2014 के मुकाबले लगभग 3.5 गुना बढ़कर 214.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। आज प्रधानमंत्री चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। गंगा संग्रहालय के माध्यम से गंगा की सांस्कृतिक महत्ता, जैव विविधता और नदी संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री रोइंग डाउन द गैंजीज बुक का अनावरण भी कर रहे हैं। ये पुस्तक गंगा के अद्भुत जैविक संसार का एक चित्रात्मक वर्णन है। उत्तराखंड वासियों की जन भागीदारी और नमामि गंगे अभियान के संगठित प्रयास के परिणाम अब दिख रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा अविरल और निर्मल हो रही है। नमामि